सिगरेट आम पीको और गुटके खाको पूरे कल्ले पूरे अंदर पूरे सड़कों चले गई उनके बहुत सारे पेशेंट आम इनके बारे में जरा इलाज बताए तो अच्छा है। सुबह से कितने पेशेंट आए? 5 से 6 जने आपको यहाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ठीक है बताऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि मैं मौत मुकर्रर करूँ, एक सेकंड आगे भी नहीं, एक सेकंड पीछे भी नहीं। एक आदमी की 100 साल है, एक सेकंड भी जल्दी मरता नहीं और एक सेकंड देरी भी मरता नहीं। फिर अल्लाह दूसरी जगह बोल रही, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जान निकाल लियो लोगों का। ठीक हो तो इंसान गलत मलत खा को, गलत मलत पी को जल्दी मर सकता है, या जी नहीं सकता, जल्दी मर सकता है। क्योंकि आज शैतान खूब मेहनत कर रहा है। शैतान की मेहनत क्या? हमेशा इसे बीमार रखना। अब बीमार रखना तो गलत मलत चीजा खिलाना, गलत मलत चीजा पिलाना। आज बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, ब्रांडी, दारू, विस्की आम हो गए, गांजा, अफीम आम हो गए। मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए शैतान से बचो, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालों, उदुखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी अल्लाह के सिपाही बन जाओ, दीन के दाई बन जाओ, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। वला तत्तबिउ खुत्वाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो और शैतान की बात ना सुनो। इन्नहु लकुम अदू मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है शैतान। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि ये गुटखा खाना ये आत्महत्या है। बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब, दारू, ब्रांडी पीना, ये सब खुदकुशी है। खुदकुशी करने वाले को माफ नहीं है, हमेशा जहन्नम। मरने से पहले तोबा कर लिया, उसके सारे गुनाह माफ करता अल्लाह, और उसके गुनाहों को नेकी में तब्दील कर डालता अल्लाह। अल्लाह और सेहत पकड़ डालता है उसकी जिंदगी। मिसाल मेरी, मैं भी 18 साल पहले बीड़ी सिगरेट गुटखा सारे चीजों से, शराब भी मारता था जरा जरा, बात समझ रही, सब तोबा करे। तोबा करने में 80-84 साल की उम्र में तुम्हारे सामने यंग बन को भी ढील दो, नहीं तो 60 साल में खबर में चले जाते। मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए बुराई से तोबा करो, क्योंकि शैतान जो है बुराई में मारना चाहता है। और शैतान के हवाले हो लोगो, सूरह निसा उठा को देखो। सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है, ए शैतान, जो बंदा मेरा गुलाम नहीं बनता, मेरी शरीयत कानून को कबूल नहीं करता, उसे तू तेरा गुलाम बना ले, उसके ऊपर सवार हो जा और तेरा लगाम उसे डाल ले, तेरी चीख से उसे डराते रहो और उसे गुमराही की तरफ लेकर जाते रहो, ले जाता जाता उसे जहन्नम में ले चल जा। और जो मेरा बंदा है, यानी मेरे सिवा किसी को डरता नहीं, और जो मेरा बंदा मेरे कानून के तहत जीता है, उसके ऊपर तेरा क्या भी नहीं चलता। तू कितनी तो भी कोशिश कर ले, उसके ऊपर क्या भी नहीं चलता। क्यों? उन्हें तेरी तरफ आताश नहीं होती। मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए शैतान से बचो, क्योंकि अक्सर शैतान लोगों को धोखा दे रहा है। अब तुम पूछेंगे, कहां जी शैतान है, कौन देखे शैतान को, किसे दिखा शैतान? याद रखो, जो भी बोलता है कहां का अल्लाह, कहां की आखिरत, कौन रे देखे मरने के बाद, वो सब क्या भी नहीं, वो तो उन्हें शैतान है। बात समझ रही? और दूसरा, एक आदमी शराब पी रहा है, जब तक दूसरे को शराब ही नहीं बनाता, उसे दिल की तसल्ली नहीं रहती। एक आदमी गुटखा खा रहा है, जब तक दूसरे को गुटखा खाने वाला नहीं बनाता, उसे तसल्ली नहीं होती। एक आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा है, जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं सिखाता, इसे तसल्ली नहीं होती। यहां तक कि चा बार बार चा पी रहा है, बीड़ी मार रहा है, दूसरे को भी चा पिलाना सिखा को छुड़ता उन्हें। मेरे दोस्तों, ये सभी शैतान के शागिर्दान की निशानी, शैतान के गुलामा की निशानी। अल्लाह वाला कौन? अल्लाह के कलाम को समझता है, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझता है, दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह समझाता है, मोहम्मद रसूलल्लाह को समझता है, दुनिया को मोहम्मद रसूलल्लाह कौन बोलकर पहचान कराता है, ये अल्लाह वाले की पहचान। मेरे दोस्तों, आप बीमारियों से बचना, हर बीमारी दफा होना,
अभी एक बैलेंस बता रहा हूं, वो बैलेंस पकड़ लियो, तीन महीने में रेडी हो जाते। गुटखे खा को की, बीड़ी सिगरेट पी को की, जो अपने आप को बर्बाद कर ली, तीन महीने में आबाद हो जाते। मेरे दोस्तों, क्या है, रात को अरंडी का तेल दो तीन चमचे गर्म पानी में या दूध में डाल को पीने की आदत डाल लो, और घर में पूरे इंशाल्लाह दो दिन में पेट भदड़ता है, लूज मोशन होता है, डरना नहीं, बस आदत पड़ जाते। शाम को अरंडी का तेल, सुबह को जैतून का तेल दो चमचे, दूध में डाल को पी लो या वैसा पी लो, गर्म पानी पी लो, इंशाल्लाह तुम्हारे मिशना ताजे रहेंगे। ये देखो, ये मशीन को ऑयल है, 25 लाख की बस है, 50 रुपए का तेल नहीं दिया तो 25 लाख की बस से बोकस होकर चले जाते। ऐसा ये करोड़ों की मशीन है जो अल्लाह माँ की पेट में बनाया है। ये मशीन को ये आयल देते रहे सारे बीमारियां दफा। उसके साथ क्या करना, ये कलौंजी का कषाया, ऐसे दोस्तों के करीब जड़ बोटियां दाल को बनाते सो, ऐसे दोस्तों के करीब फूल पत्ते दाल को जड़ बोटियां दाल बनाती। ये सुबह दोपहर शाम एक आधा आधा गिलास पीते रहो, तीन महीना में ताजे हो जाती। एक आदमी 5 बाटला पीना महीने को, ऐसा 3 महीने 15 बाटला पी लिया तो पूरे पार्ट्स अंदर के तैयार हो जाते इंशाल्लाह। और खासकर किडनिया इन्फेक्शन होगी, किडनिया का डायलिसिस चल रहा है, उन्हों रोज को 1 बाटल, महीने को 30 बाटला, दूसरे महीने में 20 बाटला, तीसरे महीने में 10 बाटला, चौथे महीने में 5 बाटला पी गए तो किडनिया वाले अच्छे होते। कैंसर वाले भी होता है, कैंसर वाले को भी महीने को 30 बाटला, पहले महीने में 30 बाटला, दूसरे महीने में 20, तीसरे महीने में 10, चौथे महीने में 5। और सादे जो ही वो सिर्फ 5 बाटले ली बस महीने को, इंशाल्लाह सारे बीमारियां दफा हो जाती। और एक घर की दवा बोल दूं, बना लो।